तो दोस्तों देख सकते हैं कितना तेज बारिश हो रही है। देखिए इधर इधर देखिए, पूरा बारिश बहुत तेज हो रही है भाई, साथ में बहुत हवा भी तेज चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा ऊपर तक पानी आ चुका है, पूरा ये ऊपर गीला हो चुका है, पूरे अच्छा तरह से गीला हो चुका है, और इसके काई भी थोड़ा लगा हुआ है। इसके स्लिप अगर मैं करूँगा तो सीधे गिर जाऊँगा। ये देख सकते हैं कितना पैर स्लिप कर रहा है इस पर। तो गांव में काई ये लग जाता है बारिश के समय में, बारिश के मौसम में अक्सर काई लग जाता है बहुत। ये देख सकते हैं इस पर थोड़ा सा स्लिप करूँगा ना गिर जाऊँगा यार, तो ये बहुत डेंजरस है भाई। गाँव में ये अक्सर आपको कहीं ना कहीं जहाँ पर भी माटी होगा वहाँ पर आपको मिट्टी पर ये दिख जाएगा। तो ये देख सकते हैं इधर ये वाला जो पोर्शन है ये इधर नीचा है और इधर थोड़ा ऊंचा है, तो इस पर भी पानी चढ़ गया है। इतना मतलब हवा का मतलब हवा इतना तेज था ना, इस पर भी पानी आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऊपर में पानी आ चुका है। और इधर मेरा चूल्हा है, गांव में इसे चूल्हा बोला जाता है, तो इसी पर मेरा खाना वाना पकता है। ये मेरे रसोई घर है, ये रसोई घर है, तो बेसिकली रसोई घर इसे बोला जाता है। इसी में किचन है मेरा, तो इसी में खाना उना पकता है, सारा चीज़ इसी में है। इधर मसाला वगैरह है, तो आप देख सकते हैं तो इधर पूरा पानी आ चुका है। तो जब तक सूखेगा नहीं तब तक खाना इधर अब बन नहीं सकता है, इसीलिए बोरा रखा गया है, क्योंकि इस पर पानी आएगा तो अंदर इससे इसके नीचे जो मिट्टी है ये पूरा गीला नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पे गीला नहीं है, और इधर जहाँ पे ये बोरा नहीं रखा हुआ है वो पूरा गीला हो चुका है, इसीलिए रख दिया जाता है। और बोरा रखने का ये भी एक कारण है कि यहाँ की यहाँ पे जो नीचे मिट्टी है वो पूरा बारिश के समय पर दहा जाता है, मतलब पानी के साथ चला जाता है, दूसरे जगह चला जाता है, तो गड्ढा गड्ढा हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जैसे गड्ढा हो चुका है, तो यहाँ पर नहीं था बोरा तो यहाँ पर गड्ढा हो चुका है, ये पूरा पूरा भींग चुका है। आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, तो इधर चौकी रखा हुआ है और इधर नीचा है इधर ऊंचा है। इतना हवा था तेज ना, इधर इधर भी पानी आ गया है, अंदर तक घुस गया पानी, देख सकते हैं आप। दोस्तों बारिश के मौसम में हम कहीं जा भी नहीं सकते घूमने यार, बारिश के मौसम में गांव में कहाँ जाओगे, जिधर भी जाओगे उधर भी आपको जहाँ भी चले जाइए गीला मट्टी मिलेगा, गीला गीला लगेगा यार, पूरा पचर पचर रहता है। अगर बिहार के लैंग्वेज में बोलूँ तो पूरा पचर पचर रहता है, जहाँ भी जाओगे यार कादो उदो मिलेगा, पानी उनी गंदा गंदा पानी नाला उला से निकल जाता है। और हर आदमी का गांव में आप जानते ही हैं कि गांव में रोड पर ही पानी पूरा हर घर से निकलता है, तो गांव में बारिश के मौसम में तो गांव में भाई रास्ता बहुत बेकार हो जाता है, बहुत घटिया हो जाता है, जिधर भी जाओगे भाई कीचड़ ही मिलेगा। तो इसलिए मैं घर में ही रहता हूँ, हर कोई घर में ही रहता है। मेरे बगल में एक बाड़ी है, उसमें भी मचान बना के रखा हूँ, बैठता हूँ, जब मेरा मूड वूड ऑफ हो जाता है तो उसी में चला जाता हूँ बैठने, तो उसमें थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ मैं। तो वो भी अभी गीला हो चुका है पूरा मचान, तो आज मैं बारिश में बाहर जाऊँगा नहीं, आज घर पर ही रहूँगा। जैसे पढ़ने वाला था तो बारिश होने लगी, तो मैं सोचा कि थोड़ा जाऊं देखूं, तो मैं आ गया, तो मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, मगर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, कैमरा उठाया, मैं कहा जो होगा होगा यार मैं वीडियो बनाऊंगा आज, तो मैं उसी लिए कैमरा लाया और वीडियो स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना। तो दोस्तों लग रहा है कि फिर से बारिश आएगी, पूरे आसमान में फिर से बारिश का माहौल बन चुका है, तो हो सकता है कि फिर से बारिश हो। ऐसे रात को ही ज़्यादातर बारिश होती है, हर दो तीन दिन पर आजकल बारिश हो जा रही है, तो अभी बारिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान लोग बहुत परेशान रहते हैं। किसान लोगों को बोरिंग से पानी पटवाना होता है अपने अपने खेतों में, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है ना बोरिंग से, तो इसीलिए बारिश होगा। जितना अभी धान रिसेंटली किसान लोग रोपे हैं, मेरा भी खेत है उसमें भी धान रोपाया है, तो जब तक बारिश नहीं होगा तो फिर धान यार नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए बारिश होना बहुत ज़रूरी है, मगर मजबूरी है। बारिश नहीं होगी तो यार फिर भूखे किसान लोग मर जाएंगे ना। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दोस्तों कृपया मेरे कमेंट सेक्शन में आप एक फीडबैक मेरे वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा रहता है। अगर वीडियो अच्छा रहता है तो क्यों अच्छा रहता है, और वीडियो ख़राब है तो वीडियो में मैं क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ जिससे मेरे वीडियोस की क्वालिटी, यानी कहते हैं ना क्वालिटी कंटेंट कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो चीज़ कृपया आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। कृपया एक दो चार सेंटेंसेज लिखना होगा, कृपया दोस्तों ये कर दीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और इस चैनल पर
ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। तो कृपया अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो कृपया यार कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।